इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में साकार रूप से हम सबके सामने सामने मूर्त रूप में है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को और उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति पितृ परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए कृतज्ञता का भाव रखते हुए जिस संस्था की स्थापना की बाबू महेश्वरी प्रसाद जी को दोनों की स्मृतियों को मैं नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों हम सब जानते हैं इस बात को, आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे उसमें तुलसीदास जी ने भी एक बात कही, उससे पहले आप जितने भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे और भारत की परंपरा के बारे में जितनी भी जानकारी लेंगे आपको एक बात की जानकारी जरूर होगी, वो हमें एक ही प्रेरणा देते हैं, श्रीमद् भगवद गीता हो, रामचरितमानस हो या हमने जो भी ऐसे पैतृक जो भी हमारी ऐसे पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए स्थल हैं या ग्रंथ हैं, वे हमें एक बात की प्रेरणा देते हैं, श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम्। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, श्रद्धा के लिए कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए कि किसी महापुरुष ने अपने पूर्वजों की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस विद्यालय की स्थापना की। और आज आप देख रहे होंगे आज के इस समय में भागम भाग का जब समय है, लोग अपने स्वयं के व्यवस्था के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तब आज से 60 वर्ष पहले इस विद्यालय की स्थापना होती है और वर्तमान में मुझे देखकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि 2526 बच्चे वर्तमान में यहाँ इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और जिनमें 1353 बालिकाएं पढ़ रही हैं। एक बहुत शुभ संकेत है, बालिकाएं स्कूल आ रही हैं। बालकों की संख्या मात्र 1173 है, यानी बेटियां एक बार फिर से यहां पे भी स्थान प्राप्त कर ली, आगे अपना स्थान बना ली है। ये तो 2500 से अधिक बालकों को उन्हीं के जनपद में उन्हीं के गांव के इर्द गिर्द शिक्षा का एक उत्तम केंद्र मिला है। इसके प्रति विद्यालय के संस्थापकों के प्रति, जिस महापुरुष के नाम पर है उनके प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आप सब जानते होंगे कि जब हम लोग अपने प्राचीन गुरुकुल परंपरा में भी दीक्षांत समारोह होता था उसमें एक आचार्य अपने शिष्य के प्रति यही बात करता था, यही भाव व्यक्त करता था कि उपदेश का सार यहां से शुरू होता है, जो आज भी तैतृय उपनिषद में हम सबको इस बारे में देखने को मिलता है कि सत्यम वद धर्मम चरम, यहां से शुरू होकर के और फिर मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सभी का पालन करते हुए, यानी अतिथि यानी देवो भव का मतलब उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, अंतःकरण से श्रद्धा का भाव। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके द्वारा किए गए योगदान के प्रति एक कृतज्ञता का भाव। पिछले 59 वर्षों में हजारों बच्चों ने यहां से शिक्षा अर्जित की होगी, वे ज्ञानवान बनकर के समाज में निकले होंगे, समाज में अलग अलग क्षेत्रों में वे अपनी सेवाएं दे रहे होंगे,
कोई समाज सेवा के क्षेत्र में होगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में होगा, कोई व्यापार के क्षेत्र में होगा, कोई जीवन के अलग अलग क्षेत्र में रह करके किसी न किसी प्रकार से समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहा होगा। आज अगर वह कुछ कर पा रहा है तो उसके पीछे माँ बाप का संस्कार और माँ बाप के योगदान के साथ साथ इस विद्यालय का भी कंट्रीब्यूशन है, जिसने उन्हीं के घर में शिक्षा का एक केंद्र बनवा करके उन्हें यहाँ पे एक उत्तम केंद्र बनाने की प्रेरणा दी। और आज यहाँ पर बाबू महेश्वरी प्रसाद की स्मृति को ताजा रखते हुए इंटर कॉलेज अपने इस भव्य इमारत के साथ यहाँ पर 2500 से अधिक बच्चों को शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ उनके ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। मैं इसके लिए वर्तमान प्रबंधन को, जिनमें देश की जानी मानी हस्ती है, उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वे लोग इतना रुचि लेते हैं। स्वयं न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी दिल्ली से इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए यहां पर आए, कुलपति जी प्रोफेसर सविता श्रीवास्तव जी विश्वविद्यालय के अपने कार्यों से समय निकाल करके इस विद्यालय में आए, एक असामान्य सी बात है। ये भी बुद्धि अपने आप में लोगों के लिए प्रेरणा की केंद्र है, लोगों के लिए उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायी बनता है, हजारों लाखों युवाओं को उससे आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप यहां एक अभिभावक के रूप में, वे आपके बीच में बैठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में आपके साथ आज बातचीत कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि कैसे बड़ा व्यक्ति कोई अचानक नहीं होता है, आप ही के बीच में परिश्रम करके व्यक्ति पूरी लगन से पूरी निष्ठा से जब व्यक्ति कार्य करता है तो बड़ी से बड़ी मंजिल प्राप्त कर सकता है, अवश्य प्राप्त कर सकता है। और यह विद्यालय के प्रबंधन उसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। यह विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सचमुच जो ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, मैं ज्ञापन को पूरा देखूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है, जिस पर हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास करना होगा। निजी क्षेत्र का बड़ा योगदान है। अगर बाबू देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी जैसे विभूतियों ने उस कालखंड में इन शिक्षण केंद्रों की स्थापना नहीं की होती, क्या होता? जगह जगह जो विद्यालय बने, शिक्षा के केंद्र बने, ये केंद्र समाज के कंट्रीब्यूशन से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी दे करके, अपनी संपत्ति लगा करके, अपने पूर्वजों की कीर्ति को बनाए रखने के लिए, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी समाज और राष्ट्र के लिए कुछ योगदान दे पाएगी, इसके लिए उनके द्वारा एक प्रयास प्रारंभ हुआ। आज उसका परिणाम है कि निजी क्षेत्र का एक कंट्रीब्यूशन के सहयोग से ही आज जब हम शिक्षा की व्यवस्था को देखते हैं, एक बहुत बड़ा योगदान है जिसके कारण आज शिक्षा की व्यवस्था में हम लोग कहीं टिक पाते हैं। याद रखना, जब भी समाज आगे होता है और सरकार पीछे होती है तो समाज प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है। जब सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है तो समाज स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए समाज आगे था तो यह देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ। जब हमने समाज को पीछे कर दिया, परिणाम क्या था? यह देश पिछड़ता गया। आज एक शुभ लक्षण हमें दिखाई देते हैं, समाज जागरूक हो चुका है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो चुका है, उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। और उसी भाव के साथ आज सरकार कार्य कर रही है, खासतौर पर
यहां पर जितनी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले विद्यालयों के पास आय के स्रोत हुआ करते थे, आज वो स्रोत भी नहीं। तो सरकार ने तय किया है प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कोई भी विद्यालय जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है या सरकारी विद्यालय है, उन सभी विद्यालयों के हमने एक व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए सरकार उसमें सहयोग कर रही है, जिसमें हमारा कहना है कि आप 75% पैसा सरकार देगी, 75 से 90% पैसा सरकार दे रही है और 10 से 25% के बीच प्रबंधन को जन सेवा के पास CSR से लेकर के उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। भव्यवान अच्छे भवन बन सकते हैं। दूसरा, हमें आज कुछ नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, आप यहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ लाइब्रेरी जाने का अभ्यास जरूर करें, अखबारों को जरूर देखें, पुस्तकालयों में नई नई पुस्तकों को, जिससे आपका ज्ञानार्जन होगा, आपको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी, सफलतम कहानियों को देखने सुनने का एक अवसर प्राप्त होगा, और फिर धीरे धीरे करके उसको डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में स्थापित करना है। खर्चा बहुत नहीं है, सरकार उसमें सहयोग कर रही है, विद्यालय को केवल पहल करके उसको नेतृत्व दे देना है और सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रोजेक्ट अलंकार में बाबू महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज भी चयन हुआ है और सरकार इसके लिए धनराशि इसके लिए उपलब्ध करवा रही है, जिससे यहाँ पर इस भवन को और अच्छा बनाने में, इसमें अन्य नए क्लासरूम बनाने में, नई लैब्स बनाने में, लाइब्रेरी बनाने में और भी अन्य चीजें यहाँ जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में उससे उस धनराशि का उपयोग विद्यालय के लिए हो पाएगा। इसके अलावा यहां पर अभी जो न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी ने कुछ बातें कही, खासतौर पर यहां पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए, मैं जिलाधिकारी से कहूंगा कि वे एक अच्छा प्रस्ताव बना करके दें, जिससे यहां के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी एक उत्तम केंद्र हम यहां पर दे पाएंगे और मार्गदर्शन स्वयं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव स्वयं कुलपति है, तो कुलपति के रूप में उनका मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में जो महाविद्यालय बने वह इस क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इसके अलावा हम सबको एक बात को और ध्यान रखना होगा। देखिए, वर्तमान में एक नया अवसर आया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अवसर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमें आगे बढ़ने के लिए। एक काम, हमें बच्चों को शिक्षा से, उसके पाठ्यक्रम से तो अवगत कराना ही है, लेकिन अभी से उसको कुछ नए कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के ऐसे कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं जिनमें वे बच्चे पारंगत हो और पारंगत होकर के फिर उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच मिल सके, इस पर हमें अभी से प्रयास करना होगा, जिसमें हमने पहले ही सरकार ने 2-3 प्रोग्राम आगे बढ़ाए हैं। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, जिले के अंदर कौन से ऐसी विशिष्ट उत्पाद है जिसमें रोजगार सृजन की अनंत संभावनाएं हैं, उसमें नयापन हम क्या दे सकते हैं, इसका शोध का, इनोवेशन का केंद्र हमारे विद्यालयों को बनना पड़ेगा। दूसरा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान या PM विश्वकर्मा योजना, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग एक नए अभिनव प्रयोग को आगे बढ़ा सकते हैं, सरकार इसमें भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। एक पक्ष यह विद्यालय का आना चाहिए, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको पारंगत कर देगा, और दूसरा है स्पोर्ट्स का, खेलो इंडिया खेलो। आपने देखा होगा कि भारत ने पिछले 9 वर्ष में खेल के क्षेत्र में एक नए, कुछ नए प्रतिमान गढ़े हैं, विकास की एक नई दौड़ में आगे बढ़ा है। आज हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं,
वहां पर हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक के ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों का रहा है और एशियन गेम्स में भी पहली बार भारत के खिलाड़ियों को 100 से ज्यादा पदक प्राप्त हुए। यह हमारे नए सामर्थ्य को व्यक्त करता है। हमें स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाना होगा, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य उन कार्यक्रमों को जो आपको परंपरागत हस्तशिल्प के साथ परंपरागत उत्पादों के साथ जोड़ने में तो मदद करेगा ही, लेकिन खेलकूद की गतिविधियों के साथ भी जुड़ना। याद रखना, भारतीय मनीषा ने एक बात कही थी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनो, यानी जितने भी हमारे साधन है वे सभी स्वस्थ शरीर में ही संभव हो पाएंगे। जितने भी धर्म के साधन है वे सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना अपने आप को, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए भी सरकार एक काम कर रही है, हमने तय किया हर जिले में एक स्टेडियम देंगे, हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम देंगे, स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए।